नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस शेयर की बात करेंगे, एक वो बेहतरीन शानदार शेयर है जिसके बारे में आप सब जानते हो, आप उसको यूज करते हो और वहां से अच्छी खासी फैसिलिटीज लेते हो और अपना काम करते हो, ठीक है। ये कंपनी दोस्तों क्या है, जब भी हमें कभी अपने घर जाने की जरूरत पड़ती है, कभी अपने ऑफिशियल टूर्स में जाने की जरूरत पड़ती है, तो हम इस कंपनी का यूज करते ही करते हैं। और जिसका नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म, ठीक है, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में IRCTC। तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार कंपनी दोस्तों। इस कंपनी से हम चाहें तो शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अपनी एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी वेल्थ क्रिएट करनी होती है, उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना पड़ता है, और जब शॉर्ट टर्म में हम 5 से 10, 20% निकालना चाहते हैं तो वहां से भी निकाल सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में ऐसे काम किया जा सकता है और यहाँ से अच्छे खासे रिटर्न जनरेट किए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग सर्विसेज की, जो बेहतरीन शानदार कंपनी, जिसने अभी कुछ टाइम पहले डिविडेंड डिक्लेयर किया है और आने वाले टाइम में मल्टीप्लाई करके दिया है पैसे को, और भविष्य में भी मल्टीप्लाई करके देगी, क्योंकि इसमें इसका जो काम है एक फ्यूचरिस्टिक काम है। और आने वाले टाइम में अगर आपको इंडिया की डेवलपमेंट लगती है, ग्रोथ लगती है और वर्ल्ड में आगे जाएगा इंडिया, तो ये कंपनी को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होगा तो इंडियन रेलवेज में ही काम होगा, ठीक है। दोस्तों, जो जो इंडियन रेलवे IRCTC है, तो इसका अभी जो करंट प्राइस चल रहा है दोस्तों, 610 के आसपास चल रहा है। तो आपको कभी बहुत सस्ते वैल्यूएशंस में अगर बात करें तो दोस्तों, ये बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस में आपको इसमें काम करने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी का जो IPO कुछ टाइम कोरोना के टाइम पे ही रिलीज हुआ था, उसके बाद ये बहुत ही इसने हाई बनाया था, क्योंकि लोगों को लगा कि ये मोनोपोली कंपनी और आने वाले टाइम में इसमें काफी अच्छा बिजनेस बढ़ेगा। तो ये 6,000 तक गया था, उसके बाद ये 1:5 के रेशियो में स्प्लिट होके आज आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे 610 रुपये मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, इसने अपने जो इन्वेस्टर थे उनको पहले से ऑलरेडी मल्टीबैगर बना बना चुका है, पर अब यह है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, और आने वाले टाइम में क्या दोस्तों, अभी धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी तो धीरे धीरे इसमें पैसा लगेगा। जैसे अभी RVNL वगैरह से बहुत बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, रेलवे में काम होना है, उसके बाद IRFC उनको फंड करेगी, उसके बाद जब लास्ट में एंड, ये जब ये एंड यूजर है, जहां पे लास्ट में जब सब चीज कंप्लीट हो जाएगा, जब पटरी पर रेल चलेगी, तो वहां से जो रेवेन्यू जनरेट होगा तो IRCTC का होगा। तो ये फ्यूचरिस्टिक है, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी चल सकते हैं दोस्तों और शॉर्ट टर्म में भी काम कर सकते हैं, तो ये बेहतरीन कंपनी। चलिए इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। जो इसका दोस्तों करंट प्राइस चल रहा है, वो अभी 610 के आसपास चल रहा है। जो इसकी दोस्तों 52 वीक लो जो इसने बना के दिया है, इसने 557 के आसपास 52 वीक लो बना के दिया, और 52 जो हाई है इसका, जो साल का 52 हाई है, 774 के आसपास बनाया। तो आपको अभी भी अच्छे खासे डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है, तो आप चाहें तो इसमें SIP के थ्रू इसमें जुड़ सकते हैं और धीरे धीरे यहाँ पे अपने स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो बेहतरीन कंपनी है, शानदार कंपनी, जिसने 6 महीने में इसमें निवेश करके बैठा है जो बंदा, उसको -15% नेगेटिव रिटर्न्स प्राप्त कर रहा है, और जो 1 साल से इसमें बैठा है उसको -9.14% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो जिसने दोस्तों इसमें 1 साल में इन्वेस्ट किया और 6 महीने में इन्वेस्ट किया, वो भारी नुकसान में। बट जो बंदा इसमें शॉर्ट टर्म में काम कर रहा है और यहाँ से पैसे जनरेट कर रहा है, वो अपना ऑलमोस्ट पैसा 50% तो यहाँ से कमाई ले रहा है, ठीक है। अभी दोस्तों ये माइक्रो, ये जो एक अच्छी खासी मिड कैप कंपनी है, और इसकी जो फेस वैल्यू देखो दोस्तों 2 की है, क्योंकि कुछ टाइम पहले इसकी जो फेस वैल्यू, जब इसका IPO रिलीज हुआ था तो 10 की फेस वैल्यू थी, उससे जो स्प्लिट हुई 1:5 से, तो यहाँ पे जो फेस वैल्यू निकल कर आ रही है वो 2 की आ रही है। और ये आप देखिए, इसमें ज्यादा पुरानी लिस्टेड कंपनी नहीं है, मैक्सिमम जो शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं, तो गवर्नमेंट्स की होल्डिंग है, तो PSU आपको इसमें गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग रहेगी, ठीक है। तो ऐसा कोई लॉस नहीं है कि ये कंपनी कभी बंद हो जाए या कुछ हो जाए, बट हाँ, हो सकता है कि आने वाले टाइम में कॉम्पिटिटर्स आ जाएं, बट अभी फिलहाल इस कंपनी की मोनोपोली है दोस्तों। मोनोपोली वो चीज होती है दोस्तों जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, जो भी कोई अगर प्राइवेट में भी है तो 70% मार्केट शेयर कैप्चर करके रखता है, और जिसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, और सारा रेवेन्यू इस कंपनी को ही मिलना है, उसको मोनोपोलीज कंपनी कहते हैं। PE रेशियो की बात करते हैं दोस्तों, जो PE रेशियो इसका निकल कर आ रहा है प्राइस टू अर्निंग 51.81% के आसपास आ रहा है, और जो इस प्राइस में जो EPS निकल कर आना है, अर्निंग पर शेयर दोस्तों, वो आपका निकल कर आ रहा है 11.78, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 21.82 है, और डिलीवरी अच्छी खासी बेहतरीन डिलीवरीज यहाँ पे उठाई जा रही है।
तो इस कंपनी में अच्छी खासी डिलीवरी उठाई जाए, तो जो इसके निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, उनको पता है कि ये कंपनी आने फ्यूचर में अच्छा खासा इसमें डेवलपमेंट होना है, क्योंकि हमारी जब इकोनॉमी आगे को बढ़ेगी, हमारा देश आगे को बढ़ेगा, वर्ल्ड वर्ल्ड से कम्पीट करेगा। अभी ये डेवलपिंग कंट्री आने वाले टाइम में यूएस 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 रशिया चाइना, इन सबको कॉम्पिटिट करना है, तो इसको डेवलप्ड होना ही पड़ेगा। तो डेवलप्ड होगा तो सबसे पहले जो बढ़ेगा दोस्तों, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। डिफेंस के लिए देखो कहाँ कहाँ रेल पहुंच रही है आज के टाइम पे, तो इसको बढ़ना ही पड़ेगा। और जब यहाँ से काफी एक्सपेंड करेगा, तो यहाँ से ग्रोथ होनी शुरू करेगी शुरू होगी। तो इस स्टॉक में आप नजर बना के रखते हैं, बेहतरीन स्टॉक है, शानदार स्टॉक है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें काम कैसे होता है। RSETC में दोस्तों जो काम होता है बहुत बेहतरीन काम होता है। इसमें भी देखिए अगर बात करते हैं दोस्तों, इसके हम अगर देखो 5 दिन की चार्ट की ही बात करेंगे, तो दोस्तों इसके जो 5 दिन का चार्ट आपको निकलता आता है, -2.2.50 के नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है यहाँ पे। अगर 5 दिन की बात करते हैं तो दोस्तों 1.45 के रिटर्न दिखा रहा है। 6 महीने में तो आपको -14 दिखा ही रहा है, ठीक है। पर दोस्तों अगर हम देखो इसका 1 साल का चार्ट निकालते हैं, तो आपको ये देखिए यहाँ पे इसमें इस कंपनी में आपको कितनी सारी पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल है जो बंदा इसमें शॉर्ट टर्म में काम कर सकता है। देखो जो जो बंदा इसमें शॉर्ट टर्म में काम कर सकता है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी है। अगर आपके पास ज्यादा क्वांटिटी लग जाती है, वैसे तो ज्यादा क्वांटिटीज में काम नहीं करना है। सपोज आपने 1 लाख के ह्यूज क्वांटिटी मार दी है इसी प्राइस पे, और ये स्टॉक 1 साल तक भी नीचे पड़ा रहा है, तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि फ्यूचर में ये स्टॉक बढ़ना है। हाँ शॉर्ट टर्म में बट ये है कि आप इसमें शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने, तो कम कम शेयर में काम करें, धीरे धीरे थोड़े थोड़े कम पैसे में काम करें, और यहाँ से 10-10, 20-20% निकालते रहें। अगर देखते हैं दोस्तों, देखिए ये स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ इतने नीचे आया था, भी यहाँ से जब जंप मारा है, तो कम से कम 24% के रिटर्न यहाँ पे बना कर दिए हैं, ठीक है। इस कंपनी ने तो 24% कम 24 से 28% यहाँ पे निकाल के दिए हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 8% किसने यहाँ पे निकाल के दिए हैं, 10% के रिटर्न, ठीक है। फिर यहाँ पे गिरा, फिर ये ऊपर नीचे गिरता रहता है दोस्तों। यहाँ से आप शॉर्ट टर्म में काम कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2% के निकाल के दिया है, तो यहाँ पे देखिए 7%, तो आपके 50% तो दोस्तों इसने पैसे यहीं पे बना के दे दिए हैं। तो ये कंपनी, इस कंपनी में ऐसे करके काम कर सकते हैं आप, इस कंपनी में शॉर्ट टर्म में काम कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में। अगर देखो दोस्तों अगर आप इसने आपने ह्यूज अमाउंट इस कंपनी में लगा भी दिया है, कहीं पे आपने ज्यादा पैसा लगा दिया, सपोज वैसे तो देखो स्टॉक मार्केट में काम करना है, तो दोस्तों आप एक चीज कान में अपने ध्यान से सुन लो, क्योंकि आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो ह्यूज अमाउंट नहीं लगाना है। ह्यूज अमाउंट जो बंदा लगाएगा उसको स्टॉक मार्केट से एग्जिट करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो ह्यूज अमाउंट में दोस्तों अगर एक रिटेलर है, उसका थोड़ा सा लिमिटेड जॉब नौकरी पैसा आदमी है, अगर उससे थोड़ा सा उसका थोड़ा ही पैसा है, अगर वो उसका 1 लाख रुपया और 1 लाख ह्यूज अमाउंट पे लगा देगा, और ये स्टॉक 2 साल के लिए नीचे पड़ा रहा, तो आप तो स्टक हो जाओगे, आप एग्जिट करोगे, आपको पैसे की इमरजेंसी होगी, तो आप इसको प्रॉफिट लॉस बुक करके यहाँ से निकल जाओगे। तो दोस्तों कम कम शेयर लगाने, SIP में काम करना है, बेहतरीन स्टॉक है, शॉर्ट टर्म में भी काम कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में भी काम कर सकते हो, छोटा छोटा अमाउंट लगाओ। अगर स्टॉक नीचे होल्ड भी हो सकता है, फंस भी जाता है, तो वहां पे आप उसको छोड़ दो। ज्यादा ज्यादा 10,000 लगाए होंगे तो दोस्तों 5,000 आपको दिखाएगा। बाकी स्टॉक में काम करिए, पोर्टफोलियो बना के काम करिए, 5 से 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाए, और वहां से धीरे धीरे रिटर्न जनरेट करना सीखिए। तो दोस्तों आईआरसीटी से एक बेहतरीन कंपनी है, शानदार कंपनी है। इसके आगे जाके हम थोड़ा सा फंडामेंटल्स भी देखेंगे। तो ये जो कंपनी है दोस्तों, ये कंपनी काम कैसे करती है, ये दोस्तों ये कंपनी जो है, अगर हम इस कंपनी की बात करेंगे, तो ये कंपनी का जो मेन जो काम है दोस्तों, उसका काम है ये पैसे जो कमाती है दोस्तों, इसका एक ड्रिंकिंग वाटर आता है, जो इनका ड्रिंकिंग वाटर आता है उससे काम उससे पैसे कमाती है, रेल नीर के नाम से, ठीक है। जो है अगर आपने कभी भी ट्रेन में सफर किया होगा, कहीं भी गए होगे, आप अपने घर गए होगे, हो सकता है आप घूमने गए हो, ठीक है, बहुत सारे तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, लॉन्ग ट्रिप मारते हैं, ठीक है। तो आपने जब देखा होगा कि वहां पे जब आपको प्यास लगी होगी, तो आपने जो पानी की बॉटल ऑर्डर करी होगी, ठीक है, या किसी से खरीदी होगी, तो पानी का जो ड्रिंकिंग वाटर है दोस्तों, वो IRCTC कंपनी ही प्रोवाइड करती है। उसका नाम रेल नीर है, और 8.9%, देखो 8.9% रिटर्न जनरेट करती है ना दोस्तों, वो ये रेल नीर ड्रिंकिंग वाटर से ही करती है। और गर्मी का टाइम है, इतनी गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, तो पानी बेहिसाब बन बिकता है दोस्तों। लोग घर से भी लेकर आते हैं बॉटल, उसके बाद भी पानी की कमी हो जाती है, एक फैमिली में चार चार पांच पांच बंदे, तो लोग पानी पीते ही पीते हैं, और करोड़ों लोग आ रहे हैं, तो उनसे काफी जबरदस्त रिटर्न होता है, ठीक है।
तो रियल मी से इनकी अच्छी खासी कमाई है। दूसरी दोस्तों जो सबसे ज्यादा कमाई है, आपको लग रहा होगा कि रेल में तो ट्रैवल करते हैं और वहां से कहाँ से पैसे कमाते होंगे कि टिकट बुकिंग से कमाते होंगे, नहीं दोस्तों, जो इनकी मेन कमाई अभी जो मैक्सिमम जो परसेंटेज जो इनकी कमाई हो रही है, वो कमाई हो रही है कैटरिंग के बिजनेस से, ठीक है, कैटरिंग के बिजनेस से, कैटरिंग के खाने पीने के बिजनेस से। दोस्तों जब भी आप कोई भी टिकट बुक करते होंगे तो उसमें ऑप्शन आता है कि मेन्यू के लिए आता है, किसी में डिनर आता है, किसी में ब्रेकफास्ट आता है, वेज आता है, नॉन वेज आता है, जो बंदा जिसके अकॉर्डिंग, तो लोग वहां पे बुक करते हैं कि अपने खाने के पैकेज की, ठीक है, खाना, तो लोग जब जाते हैं तो देखते हैं कि यार एक दिन के लिए जा रहे हैं तो वहीं से ऑर्डर कर लेते हैं, कौन ले बना के लेके जाएगा, टाइम की कमी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वहीं पर ऑर्डर करते हैं, वहां से इनकी जो रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, तो दोस्तों उनके 41%, ठीक है, कितने हो रहे हैं, 41.5% रेवेन्यू जनरेट इनके कैटरिंग के बिजनेस से हो रहे हैं। तो जो मेन इनका, और जो इनका जो मेन काम है टिकटिंग का, ठीक है, ऑनलाइन जो टिकटिंग का काम है दोस्तों, तो IRCTC की वेबसाइट से ही आपको ऑनलाइन टिकट करनी होती है। कभी भी आपने किया होगा तो आपका एक अकाउंट होगा, जीमेल अकाउंट होगा या मेल अकाउंट होगा, उससे आपकी टिकटिंग बुकिंग होती है। तो वो टिकटिंग बुकिंग कहाँ से, IRCTC की साइट पर जाके ही करनी होती है, और वहां से जो रेवेन्यू जनरेट करती है वो 37.5% के आसपास करते, ठीक है। तो दोस्तों जबरदस्त जबरदस्त बिजनेस है टूरिज्म से। अब ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, टूरिज्म में भी आ चुके हैं, टूरिज्म से भी अच्छा खासा इन्होंने बिजनेस करना शुरू कर दिया, और जो टूरिज्म का बिजनेस इनका जो निकल के आ रहा है दोस्तों 8% के आसपास यहाँ से टूरिज्म के बिजनेस से भी हो रहा है, क्योंकि अब जब भी अब ये टूरिज्म के लिए भी लोगों को कर रहे हैं कि यहाँ पे आइए, और यहाँ पे वो होटल्स वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और कैटरिंग तो प्रोवाइड ऑलरेडी कर ही रहे हैं, टिकटिंग कर ही रहे हैं, तो 8% के आसपास टूरिज्म से भी लग रहा है। और एक इन्होंने नई चीज देखी है, स्टेट तीर्थ, ठीक है, स्टेट तीर्थ में क्या होता है दोस्तों, जो अलग अलग स्टेट है भारत में, अलग अलग स्टेट है, तो उन सब में कनेक्टिविटी दे दी गई है, और वहां से क्या कहते हैं तुम्हारे अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं, लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, लोग अपने श्रद्धा से जा रहे हैं वहां पे, भगवानों के चरण छूने जा रहे हैं। तो वहां पे क्या है दोस्तों, एक स्टेट तीर्थ नाम से भी इन्होंने सेवा शुरू करी है, जो जहां से इनके 16% के रिटर्न्स आते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन काम है, शानदार काम है, मोनोपोली कंपनी है, ऐसी कंपनी मिलेगी नहीं, सस्ते में मिल रही है, क्योंकि दोस्तों 2019 में, जैसा कि आपको दिखा था, 2019 में इसका IPO आया था, 250-300 के आसपास IPO आया था, और 6,000 तक ये स्टॉक गया था। उसके बाद ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है 1:5 के रेशियो में, जिसके पास 100 शेयर होंगे उसके 500 शेयर हो गए, और आज आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। तो जब क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, तो कोई इस स्टॉक को कोई पूछ नहीं रहा है, ठीक है, ये स्टॉक को कोई पूछ नहीं रहा है, तो इस स्टॉक को कोई जब पूछ भी नहीं रहा है, तो जब ये स्टॉक आने वाले टाइम में जब बढ़ेगा, तो वहां से आपके पैसे होंगे जनरेट, पैसे यहाँ से आपके एक बार जनरेट शुरू होने शुरू होंगे, तो दोस्तों वहां से लॉन्ग टर्म में यहाँ से आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं छोड़ता। पर हाँ, वेल्थ जो दोस्तों, वेल्थ जो होती है वो लॉन्ग टर्म में ही बनती है, जब भी कोई भी बंदा स्टॉक करता है तो वेल्थ जो लॉन्ग टर्म में ही आपकी बनेगी। तो इस कंपनी में बात बेहतरीन कंपनी, शानदार कंपनी, लगे रहिए और यहाँ से पैसा कमाइए, शॉर्ट टर्म में भी कमाइए और लॉन्ग टर्म में भी कमाइए, ठीक है दोस्तों। शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में दोस्तों अगर आप यहाँ से दोस्तों 3 से 4% महीने के यहाँ से निकालते हो, तो साल के आपके 36 से 40% बनते हैं इस स्टॉक से, ठीक है, साल के 36 से 40 स्टॉक दोस्तों। अगर आप कहीं जाओगे, आप बैंक में भी जाओगे, तो बैंक में भी आपको 6% मिलेगा साल का, ठीक है, और LIC में जाओगे ना दोस्तों, LIC में जाओगे अपना पैसा डबल करने, तो वो 10 साल से पहले ही नहीं देंगे आपका पैसा, ठीक है, 10 साल से पहले आपको कोई पैसा नहीं देगा। आप वहां पे जाओगे LIC में, आपने सपोज पैसा जमा कर दिया, वहां पे अगर आप जाओगे ना, वहां से गार्ड भगा के रख देगा आपको, बोलेगा 10 साल बाद आना, तब जाके पैसा मिलेगा, वो भी डबल, ठीक है। तो यहाँ से पैसा अच्छा खासा आप जनरेट कर सकते हैं, बेहतरीन कंपनी, शानदार कंपनी। चलिए इसके थोड़ा सा फंडामेंटल्स में देखते हैं कि ये कंपनी ने कैसे रेवेन्यू जनरेट करके दिए हैं। तो अच्छे खासे रेवेन्यू भी जनरेट करती है, और धीरे धीरे अगर हम बात करेंगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, प्रॉफिट एंड लॉस की, तो ठीक है, वहां से इनके हमें वो दिखेंगे। तो दोस्तों अगर देखो हम क्वार्टरली इनके क्वार्टरली रिजल्ट से देखिए, तो इनके सेल्स देखिए कितने बेहतरीन है। 2015 में दोस्तों 1,000 के आसपास इनकी सेल्स थी, उसका 2019 में 1,800 के आस 1,800 करोड़ के आसपास आई है। फिर 2020 में देखो कोरोना के टाइम पे इसमें बहुत ज्यादा डीप मिला है, देखो कोरोना के टाइम पे इसमें डीप मिला है, उससे उसके उसके बाद फिर से दो पटरी पे आ गई है। 200 देखो यहाँ पे कितना मिला है, यहाँ पे दोस्तों 200 2,000 के आसपास। अब ये है, ये जो 777 है, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, ये कोरोना का टाइम है, ठीक है,
2021 में जब कोरोना आया था, चरम पे था, तो सारी गाड़ियां बंद हो गई थी, यहाँ से ट्रैवलिंग बंद हो गई थी, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था इधर से उधर मूवमेंट में। तो उससे क्या हुआ था, यहाँ पे इनका जो रेवेन्यू जो सेल्स गिर बहुत ज्यादा डिप कर गई थी, ठीक है। उसके बाद 2022 में जब सब चीज धीरे धीरे ओपन होना शुरू हुआ तो इन्होंने 18,000 के आसपास फिर दिखाया, तो अभी भी बहुत अच्छे खासे सेल्स दिखाए हैं इस बार भी। तो इस कंपनी में आप बने रह सकते हैं दोस्तों, इस कंपनी में अच्छे खासे प्रॉफिट की भी बात देख लो, प्रॉफिट देखिए दोस्तों, इसके थोड़े से प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो अगर इनके शुद्ध मुनाफे की बात करें तो 131 करोड़, 189, 229, 513, ठीक है, कोरोना के टाइम फिर गिरे थे 187, 664, 941, और देखिए कितने करोड़ों में इनके टर्न ओवर हो रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, बेहतरीन। अगर इनके दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस भी हमने देख लिया, ईयर ऑन ईयर भी बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, क्वार्टर क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, ठीक है। अगर हम इनके थोड़ा सा प्रमोटर्स वगैरह देखें, प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है दोस्तों, देखो 87 है जब ये आईपीओ आया था, तो ज्यादा, तो अब क्या होता है कि कोई भी शेयर होता है तो उनको उसके जो प्रमोटर्स है उनको 75% रखने की ही सेबी ने छूट दे रखी है, उससे ज्यादा नहीं रख सकता। तो इन्होंने भी अपने स्टॉक अपने इन्होंने जो अपने पास रखे हैं प्रमोटर ने, प्रमोटर इसकी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो 62% के शेयर इनके पास है, उसका FIS में 6.53 के आसपास दिख रहे हैं, और DIS दोस्तों इसमें DIS भी 1.06 DIS है, और आम पब्लिक भी इसमें अच्छी खासी है, ठीक है। तो ये कंपनी में घबराने की बात नहीं, अच्छी कहा, और क्योंकि जो कि फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, तो दोस्तों इस कंपनी में जब किसी कंपनी का फ्यूचर है, ये आज से जो अभी दोस्तों आपको 600 रुपये का जो प्राइस दिख रहा है, ये आपको आने वाले 5 से 10 साल में 600 रुपये नहीं दिख रहा है। जब ये 600 रुपये, ये जब सब चीज सही चीज हो जाएंगे, तो ये जो 600 रुपये है दोस्तों, इसके आगे एक जीरो लगाने, एक जीरो लगा लो इसमें, ये हो जाएगा 6,000 का, ठीक है, 5 6 साल की बात कर रहे हैं। तो इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं, SIP बना के चल सकते हैं धीरे धीरे, और शॉर्ट टर्म में तो आपने काम करना इसमें सीख ही लिया है। अब जिस बंदे जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, वो तो यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, 2-2% कमा रहे हैं, 4-4% कमा रहे हैं, 3-3% कमा रहे हैं, और यहाँ से अपना स्टॉक मार्केट में अच्छे से काम कर रहे हैं। और देखो जुआ खेलना है तो देखो आप जा सकते हो कॉल एंड पुट में, ठीक है, कॉल एंड पुट में अगर जुआ खेल सकते हो, सेबी ने साफ साफ को रखा है 10 में से 9 बंदे खत्म हो रहे हैं, तो कॉल एंड पुट में जाके कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे आप अच्छे से सेफ काम कर सकते हैं, रिटेलर्स हैं भाई, जॉब कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आने वाले टाइम में जॉब का कोई भरोसा नहीं है। आप देख रहे हो कि रिसेशन चल रहा है, US एंड रशिया वॉर चल रही है, आने वाले टाइम में और भी प्रॉब्लम्स आने वाली है, बहुत सारी कंपनीज में ले ऑफ हो रहा है, तो क्या होता है दोस्तों उससे क्या, आने वाले टाइम में सिचुएशन और भी खराब होने, महंगाई बढ़ने वाली, इन्फ्लेशन, जैसे जैसे आप देख रहे हो वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, इन ऐसे इन कंपनीज में काम करो, यहाँ से पैसा बनाओ, और लॉन्ग लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करो, शॉर्ट टर्म में यहाँ से पैसा कमाना सीखो, और यहाँ से क्या है, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी स्टार्ट करो। एक टाइम के बाद ऐसा आएगा दोस्तों, जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, यहाँ से डिविडेंड्स आने लगेंगे, अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हो तो वहां से डिविडेंड्स आएंगे, एक वेल्थ क्रिएट होगी, शॉर्ट टर्म में आप अपना खर्चा निकाल लो, जो आपके डे एंड डे टू डे के यूज खर्चे हो रहे हैं, यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, एक थोड़ा सा अमाउंट डालना है, जो एक्स्ट्रा जो आपको मनी जो आप खर्च करते हो, जो किसी चीज में आप बाहर जाते हो, पिज्जा बर्गर जंक फूड खा लेते हो, वही पैसे को यहाँ पे इस्तेमाल करना, और उस कैपिटल को बढ़ाना है। जब एक आप इस पे काम करोगे, 10-10%, 5-5%, 10-10%, 20-20% उठाओगे, तो 10 के 1,000 के आप यहाँ से 10,000 एक साल में लगाते हो, यहाँ से 20,000 कमाने की कोशिश करो, धीरे धीरे इसको बढ़ाओ, 20 के 40, 40 के 50, 50 के 60, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद देखो 60 के 120, 120 के 240, ऐसे करके कंपाउंडिंग काम करती है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो इस कंपनी में बने रख सकते हैं, ISETC बेहतरीन कंपनी है, शानदार कंपनी है, कोई कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आने वाले टाइम में आपका पैसा बनेगा, अच्छी खासी फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, रेलवे का काम कहीं खत्म नहीं होने वाला, कहीं कहीं नहीं जाने वाला है, तो आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी में आपको ग्रोथ पोटेंशियल भी मिलेगा, शॉर्ट टर्म में भी काम कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी काम कर सकते हैं। ISETC बेहतरीन कंपनी, आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम होने वाला है, बहुत सारे स्टेशन बनने वाले हैं, जो स्टेशन हैं ये एयरपोर्ट की तरह बनेंगे, वंदे मातरम बहुत सारी
वंदे भारत ट्रेनें आनी है, बुलेट ट्रेन्स आनी है, तो दोस्तों मेट्रो कनेक्ट होनी है एक शहर से दूसरे शहर में, तो ये कहाँ से आएगा? ये सब आईआरसीटीसी के थ्रू ही होना है, और ऑनलाइन टिकट रेलवे होनी है, बस एक आपकी एक पैसे इनकम जनरेट हो जाएगी। एक बार देखो सब चीज सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, एक बार ट्रेनें चलने लगी तो ये पैसा आपको देते रहेगा लाइफ टाइम। तो इस टाइम इस कंपनी से लाइफ टाइम पैसा कमाइए, जिंदगी भर पैसा कमाइए, और अच्छा अपना खुद की नॉलेज एनालिसिस करें, सब चीज अवेलेबल है नेट पे, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछे। और देखिए दोस्तों इस स्टॉक में आप काम शॉर्ट टर्म में काम कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार इस कंपनी में काम करके यहाँ से खूब सारा पैसा बना सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।